सेक्शन 11 जो है वो दो प्रकार की चीजों में लागू हो रहा, एक इसके लिए हाँ जब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर किया जाए। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं ना, हमने कहा था कि ट्रांसफर टीपीए के अंतर्गत केवल ओनरशिप का ही नहीं होता, इंटरेस्ट का भी ट्रांसफर होता है। तो कुछ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना, तो जहां ये धारा 11 वहीं लागू होती है जहां की एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर लिया गया, मतलब सब हक दे दिया गया, मतलब मालिक बना दिया। तो मालिक बना दिए तब तो उसको फिर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि कैसे एंजॉयमेंट करना है। ठीक और इसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाएगा। अब एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे ए एक मकान गिफ्ट करता है बी को, ए एक मकान बी को गिफ्ट करता है और कहता है कि इस मकान में केवल तुम ही रहोगे, किसी और को नहीं रहने के लिए दोगे। तो अब क्या ये रेस्ट्रिक्शन मान्य है? क्या रेस्ट्रिक्शन मान्य है, कर सकता है कि मैं तुमको गिफ्ट कर रहा हूं और इस मकान में तुम ही रहोगे? बताइए भाई। या पर ये वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता कि तुम ही रहो। एक दूसरा एग्जांपल, ए बी को एक घर ट्रांसफर करता है और उसके साथ ये शर्त लगाता है कि अगर तुम मकान में नहीं रहे तो ये दान जो होगा ना वो जब्त हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक, क्या ये ने कहा कि मैं तुम खारे पक्ष में ये घर तो दान कर रहा हूं लेकिन शर्त ये है कि तुम ही रहोगे, तब कोई और रहेगा तो फिर नहीं, दान जब्त हो जाएगा। ये शर्त सही है? हाँ ये शर्त सही है, वो ऐसी लगा सकता है। दोनों में अंतर है, एक में है कंडीशन के साथ ही ट्रांसफर किया जा रहा है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं है, और एक में एब्सोल्यूट ट्रांसफर मतलब मैं तुमको दान कर देता हूं लेकिन तुम क्या करोगे, उस मकान में केवल तुम ही रहोगे, ये निर्देश मान्य नहीं। हाँ लेकिन दूसरे में हमने क्या कहा कि मैं तुमको दान दे रहा हूं लेकिन ये तभी प्रभावी होगा जब तुम ही केवल रहोगे, अगर कोई दूसरा रहेगा तो ये दान जब्त हो जाएगा। तो ये हो गया कंडीशनल ट्रांसफर, कंडीशन के साथ ट्रांसफर, मतलब ये कंडीशन, अरे ये प्रॉपर्टी तुमको मिलेगी ही तब जब तुम उस शर्त का पालन करोगे। एक तरीके से मैंने कोलेटरल कंडीशन बताई थी ना, हाँ कि जब तक तुम हमारी बात को मानोगे तब तक तो ये चलेगा तुम्हारे फेवर, जब बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे हाथ से संपत्ति चली जाएगी। तो एक तरीके से कोलेटरल कंडीशन लगाई, तो ये मान्य। इन दोनों के बीच बड़ा बारीक अंतर है, बस यही समझना है हमको कि जहां जैसे मान लीजिए जब प्रॉब्लम में आपके सामने आएगा तो वो इस तरीके का कुछ लिखा रहेगा कि वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर देता है और उसके एंजॉयमेंट पर प्रतिबंध लगाता है कि केवल तुम ही रहो, नहीं लगा सकते। एक तो ये है कि गिफ्ट करता है और उसमें ये कंडीशन लगाता है कि अगर तुम नहीं रहोगे तो ये दान जब्त हो जाएगा, जब्त होने का मतलब रद्द हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये कंडीशन के साथ ट्रांसफर है इसलिए वैलिड हो जाएगा शर्त लगा। हाँ ठीक ना। हम्म,
हमने ये देख लिया ना, हमने यहाँ देख लिया कि अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफर करते हैं, वो तो बहुत टेक्निकल बात हमने कर दी, उसको छोड़िए, कि अगर कोई एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया जाता है तो उसको एंजॉयमेंट अगर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो प्रतिबंध मान्य नहीं होगा, ट्रांसफर मान्य है। अब इसके अपवाद भी होंगे, अपवाद में जब ट्रांसफरर, जब ट्रांसफरर अपने लैंड के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए जब ट्रांसफरर अपने लैंड के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए कोई शर्त लगाता है, ये इसका एक्सेप्शन है, प्रोविजो है ना सेकेंड पैराग्राफ में, नहीं फर्स्ट वाला शर्त जो था उसमें हमने बताया था ना कि ट्रांसफर कर दिया उसने कहा कि तुम ही केवल रहो, ये कंडीशन जो थी वो इग्नोर कर दी जाएगी, ट्रांसफर वैलिड होगा। और दूसरा वाला जो शर्त था उसमें ट्रांसफर भी वैलिड होगा और कंडीशन भी वैलिड। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं ये देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है, इसको हम आसानी से समझेंगे। पहला अपवाद क्या कहता है, सेकेंड पैराग्राफ पढ़िए इसका। हाँ इसका क्या मतलब है कि जब ऐसा कोई है जो अचल संपत्ति के टुकड़े के लिए किया गया, ये कह रहा है कि भाई अगर प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करते हो तो तुम उसके एंजॉयमेंट पर प्रतिबंध नहीं लगा, टुकड़े का किया गया, जैसे इसमें मैं रहता हूं और इससे सटी हुई जो भूमि थी मुझे पैसों की जरूरत थी तो इस लैंड को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये व्यक्ति जो है इसको यानी बी को जो ट्रांसफर किया है उस पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। क्यों ये जरूरी है और ये वैलिड होगा, क्योंकि इस लैंड के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए ऐसा रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, यानी उसका जो उसके पास बचा है उस भूमि के फायदाप्रद उपभोग के लिए इस पर प्रतिबंध जो लगाया जा रहा है उसके फायदाप्रद उपभोग के लिए है तो वो प्रतिबंध माने। जैसे इसने अगर कह दिया कि देखो भाई बी तुमको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर रहा हूं लेकिन तुम अपनी जमीन में इधर कोई निर्माण नहीं करोगे, इधर क्या करोगे, इधर हमको आने जाने का रास्ता छोड़ोगे तो नहीं तो हम कैसे आएंगे जाएंगे हैं? तो ये तो तुम रास्ता छोड़ दोगे। अब इसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ना एंजॉयमेंट पर कि इधर कोई दीवाल उवाल नहीं उठाओगे, क्योंकि एक ही भूमि का एक टुकड़ा है और उस टुकड़े के फायदा प्रद उपभोग के लिए अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई गई है तो कंडीशन मान गए। समझ में आ गई बात?
यही ने लिखा है कि जहां ऐसी कोई निदेश स्थावर संपत्ति की मतलब अचल संपत्ति की एक टुकड़े के बारे में उस संपत्ति के दूसरे टुकड़े के फायदाप्रद उपभोग को सुनिश्चित करने की प्रयोजन से किया गया है ना। अब इस जमीन का एक टुकड़ा सेल कर दिया गया और दूसरे टुकड़े के फायदाप्रद उपभोग के लिए ऐसा करना जरूरी वैलिड होगा है ना। अब ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे ये वाले बताइए तो ये बात समझ में आई कि नहीं, इसका जो प्रोविजो है। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इसके पास है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक हिस्से को ट्रांसफर कर रहा है तो ऐसी दशा में वो ऐसी कोई कंडीशन लगा सकता है जो जो हिस्सा उस प्रॉपर्टी का उसके पास रह जा रहा है उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए वो जरूरी है। अब ये मैं तीनों पढ़ लेता हूं फिर इसको थोड़ा सा और बताता हूं ठीक है। मतलब इसके तीन अपवाद हैं। पहला तो यही हो गया बेनिफिशियल एंजॉयमेंट वाला। दूसरा है कि जब सशर्त अंतरण किया गया तो शर्त अंतरण किया गया कंडीशनल ट्रांसफर जो अभी हमने बात एग्जांपल से थोड़ी देर पहले बताई थी। हाँ सेकंड वाला एग्जांपल बताया था ना कि ये एक व्यक्ति है जिसने अपना घर बी को गिफ्ट किया है लेकिन उसने गिफ्ट करते समय ही किया था कि देखो भाई तुम ही इसमें रहोगे किसी और को अगर रखोगे तो ये दान जब्त तो हो जाएगा। तो कैसे रहना है ये तय कर रहा है जबकि गिफ्ट कर रहा लेकिन फिर भी ये वैलिड है क्योंकि वो गिफ्ट के ट्रांसफर के साथ साथ वो कंडीशन मतलब वो कंडीशन मानोगे तभी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रहेगी नहीं मानोगे तो तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तो वो उस ट्रांसफर का आधार है वो कि तुमको ऐसे ही करना है तो इसलिए वो वैलिड हो जाता है। मतलब ट्रांसफर करने के बावजूद भी वो एंजॉयमेंट के जो कंडीशन लगाया गया वो वैलिड है ठीक है। यहाँ तीसरा 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 है कि जहां सेक्शन 17 के अंतर्गत सेक्शन 17 के अंतर्गत एक्युमुलेशन का निर्देश दिया गया यानी संचयन का निर्देश दिया गया अच्छा बेटा जेनी दीदी गुड मॉर्निंग हो गया सेक्शन 17 में हमने क्या कहा तीसरा अपवाद है सेक्शन 17 के अंतर्गत डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन संचयन का निर्देश। अब ये संचयन का निर्देश क्या है धारा 17 क्या कहती है अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं फिर 17 को डिस्कस करूंगा। धारा 17 ये कहती है कि अगर कोई पर्सन
कोई प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है तो उसमें ये वो कंडीशन लगा सकता है, ये कंडीशन लगा सकता है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी, जो भी इनकम होगी आपको एक निश्चित पर्पज के लिए खर्च करना, वो मैं बताऊंगा आप। जो इनकम है ना वो इनकम एक निश्चित पर्पज के लिए खर्च करना। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं प्रॉपर्टी तुमको दे तो रहा हूं लेकिन इस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी उस प्रॉपर्टी का जितनी इनकम होगी उसका 50% तुमको गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए करना, ठीक है। तो एक्युमुलेशन का वही है, संचयन, इकट्ठा करना है कि हमने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी उस इनकम को इकट्ठा करके आपको इस पर्पज के लिए खर्च करना। हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी लेकिन फिर भी हमने ये कंडीशन लगा दी, वो कंडीशन वैलिड होती। तो ले दे के धारा 11 का मजाक उड़ा दिया इन सब धारा। धारा 11 ने कहा कि जब तुम ट्रांसफर कर दोगे एब्सोल्यूट ट्रांसफर तो तुम्हारा उसको एंजॉयमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार खत्म हो जाएगा, यही ना धारा 11 बता रही है। फिर उसके बाद तुरंत उसी को पैरा कहता है कि नहीं, अगर तुमने ट्रांसफरर ने अपनी भूमि का एक हिस्सा ट्रांसफर किया है तो जो हिस्सा उसके पास है उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए अगर कोई कंडीशन जरूरी है तो वो कंडीशन लगा सकते। तीसरे हमने कहा कि जहां कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है और वो प्रॉपर्टी इनकम देने वाली है तो ये कहा जा सकता है कि इससे होने वाली इनकम को आपको एक निश्चित पर्पज के लिए खर्च करना और वो भी डायरेक्शन वैलिड हो। ये सारी बात समझ में आई तीनों के तीनों? वेरी गुड मॉर्निंग। उसके बाद में नंबर आएगा ना बेटा जी, जो ऐसा नहीं है कि हम 11 के बाद 17 पर चले गए हैं, सीधे 17 जो है 11 का एक्सेप्शन है इसलिए उसकी चर्चा करें, ठीक है। ये बात समझ में आई? मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी इसमें अंदर बहुत मटेरियल। हाँ एकदम समझ लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक मैथ है, अच्छा लगता है क्योंकि वो सब्जेक्ट मुझे भी ठीक नहीं लगते जिसमें सिर्फ हेडिंग हेडिंग गिनाना है। कितने प्रकार? 5 प्रकार हैं? अब कॉमन सेंस में 5 प्रकार बन जा रहे हैं, नहीं टीपीए में कॉमन सेंस से बहुत कम जगह बनेगा। इसमें एकदम एक एक चीज का पूर्णतया लिखा है एब्सोल्यूटली, तो एब्सोल्यूटली का मतलब है। तो ये बात तीनों समझ में आ गई ना? मतलब अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो इतना तो समझ लेना है कि धारा 11 धारा 10 कहती थी क्या रेस्ट्रिक्शन लगाती थी, मैं तुमको ट्रांसफर कर रहा हूं तुम किसी और को नहीं कर सकते, उसके भी एक्सेप्शन थे लेकिन मूल बात यही थी ना। तो ये कंडीशन वार्ड ट्रांसफर वैलिड, धारा 11 में कह रहा है कि जब एब्सोल्यूट ट्रांसफर किसी प्रॉपर्टी का किया जाएगा तो उसको एंजॉयमेंट पर उसके उपभोग पर प्रतिबंध अगर लगाया जाता है तो वो प्रतिबंध शून्य होगा और ट्रांसफर वैलिड होगा, यही ना रूल है। लेकिन अब उसके एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, 3 एक्सेप्शन हमने यहां पर पढ़े। एक तो पहली बात की अगर एक हिस्से को इमोबल प्रॉपर्टी के एक हिस्से को ट्रांसफर किया जा रहा है तो जो हिस्सा ट्रांसफरर के पास रह जा रहा है उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए वो शर्त लगा सकता है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर जहां कंडीशनल ट्रांसफर ही किया जाता मतलब कंडीशन के साथ साथ ट्रांसफर कंटिन्यू रहेगा, नहीं पालन करोगे तो खत्म हो जाएगा, तो वो भी एक स्थिति हो सकती है। तीसरी चीज क्या है कि जहां किसी प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम के एक्युमुलेशन का डायरेक्शन दिया गया हो, यानी आय के संचयन का निर्देश दिया गया कि इस प्रॉपर्टी से होने वाली आय को आपको इस पर्पज के लिए खर्च करना, ये भी वैलिड होगा, ठीक। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ चुकी है, चलिए बहुत बढ़िया। नेट परेशान कर रहा? अच्छा लगता है। अब ऐसा ना हो कि भाई समाज शास्त्र की तरह एक समाज को डेवलपमेंट के क्या क्या तरीके हैं, जितनी हेडिंग ध्यान में आई सब लिख दिया। तो ये हो गया ना, अब हम तीनों को समझें थोड़ा सा डिटेल में।
बात समझ में आ गई ना, इतने की जरूरत है आपको। वो तो अब बात हम जो लोग करने जा रहे हैं वो तब जरूरत पड़ेगी जब वो समझ में आया, अदरवाइज आप मोबाइल चला सकते हैं अगर पहली बार समझ में नहीं आई तो, क्योंकि आगे तो नहीं समझ में आने। ऐसे ही इतनी गर्मी में हम लोग पढ़ा रहे हैं, इतना शोषण कर रहे हैं आप लोगों का, तो इतना तो कर्तव्य बनता है कि जब न समझ में आए तो आप मोबाइल चला के मूड फ्रेश कर सकते। अब हम ये बताएंगे जो सेकंड हिस्सा था कि जब ट्रांसफरर अपने लैंड के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए कोई शर्त लगा, हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी को है ना। पहला वाला जो मामला था इसी से संबंधित, जब हम सेक्शन 11 पढ़ते हैं, सेक्शन 11 का सेकेंड पैरा, तो उसके साथ साथ हमको सेक्शन 40 पढ़ना पड़ता है। सेक्शन 40 का पैरा थर्ड देख लीजिए, तो एक बार सेक्शन 40 का पैरा थर्ड, हाँ सेक्शन 40 का पैरा थर्ड में पढ़ता हूं, लिखा है, आगे बात होगी मैं कनेक्ट कर दूंगा, केवल अपने मतलब की बात है कि वहां ऐसा अधिकार या बाध्यता ऐसे अंतरिति के विरुद्ध प्रवर्तित की जा सकेगी जिसको उसकी सूचना है या जो उस संपत्ति का जिस पर इसके द्वारा प्रभाव पड़ा है अनुग्रहिक अंतरिति, किंतु उस पर अंतरिति के विरुद्ध नहीं जो सौ प्रतिफल है और जिसे इसके प्रकार की बाध्यता की सूचना नहीं है और न उसके हाथ में वैसी संपत्ति के। बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने यहाँ से पूछ निकाली ही नहीं है, बस ये है कि ये पढ़ना। अब बताते हैं कि समस्या इसकी जरूरत पड़ती कहाँ। अब ये है कि जैसे हमने ए के पास एक प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी का इतनी प्रॉपर्टी थी, उसने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर कर दिया। तो बी को ट्रांसफर कर दिया और उसने क्या कंडीशन लगाई कि देख भाई तुमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर रहे हैं लेकिन हमको साफ वातावरण से हमको प्रॉब्लम, नहीं उल्टा बोलना ठीक नहीं होगा, इस समय गर्मी ज्यादा है वातावरण को ठीक रखते हैं, तो उसने शर्त लगाई कि देखो भाई तुमको ट्रांसफर तो कर रहे हैं लेकिन इसमें तुम बिल्डिंग नहीं बनवाओगे। ठीक, बी से इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुमने बिल्डिंग नहीं बनाओगे, ठीक है सर, उसने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और ट्रांसफर हो गया इसके पक्ष में। अब यहां तो ये शर्त लगी है, क्या ये बिल्डिंग बनवा सकता है यहां अपने भूमि में? नहीं बनवा सकता, क्योंकि जब इस शर्त के साथ ही ट्रांसफर किया गया है और वो इसलिए लगाया गया है ताकि इसका बेनिफिशियल एंजॉयमेंट हो सके, मतलब ये कि इसको हवा वगैरह आते रहे, इसीलिए कहा था कि इधर दीवार तो नहीं खड़ा करोगे क्योंकि इससे खड़ा कर दोगे तो हमारा जो प्रकाश है हवा है सब बंद हो जाएगा, तो इसलिए तुम दीवार इधर नहीं खड़ा करोगे, ठीक, तुमको करना होगा तो इधर कुछ करो, है ना, इधर नहीं करो, तो उसने इस शर्त पे ले लिया। अब उसने क्या किया कि ये प्रॉपर्टी फिर सी को ट्रांसफर कर दी बी ने। अब फिर उसके बाद उससे बताया कि देखो भाई हमारे साथ तो ये ट्रांसफर हुआ था इस शर्त पर कि हम इधर कोई निर्माण नहीं करेंगे, सी ने कहा कोई बात नहीं ठीक है नहीं करेंगे, फिर सी ने प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर कर बताया उसे भी, मान लीजिए डी ने प्रॉपर्टी ई को ट्रांसफर कर, तो जो रेस्ट्रिक्शन बी पर थे क्या वो रेस्ट्रिक्शन ई पर भी लागू होंगे? तो अब ई क्या कर रहा है, अगर ई कर रहा है कि उसमें ले जाके बिल्डिंग बनवाने लगा, तो अब क्या इसे ऐसा करने से रोका जा सकता है या नहीं, मतलब वो प्रतिबंध क्या ई पर भी मान्य होंगे या नहीं?
सेक्शन 40 का पैरा थर्ड मैंने इसीलिए पढ़वा दिया था, जब आपने पढ़ा होगा तो आपको निरर्थक लगा होगा, लेकिन इसीलिए मैंने पढ़वा दिया था कि वो बात है, अब इसी को समझना था। सेक्शन 30 का पैरा ये कहता है कि जैसे मान लीजिए वो चेन कितनी भी लंबी रही, लेकिन अगर इस व्यक्ति को सूचना थी उस प्रतिबंध की सूचना थी, तो चाहे उसने कंसिडरेशन दे के लिया हो, विथ कंसिडरेशन हो, अच्छा है विदाउट कंसिडरेशन, दोनों ही स्थितियों में अगर सूचना थी तो ये प्रतिबंध इस पर मान्य होगा, यही ना लिखा है इसमें। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि जब सूचना नहीं थी, सूचना नहीं थी, तब ऐसी स्थिति में विथ कंसिडरेशन अगर है विथ कंसिडरेशन अगर है तब ऐसी दशा में उस पर यह प्रतिबंध मान्य नहीं होगा, लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है तो उस पर यह प्रतिबंध मान्य होगा। कितना सरल तरीके से आपने समझ लिया। ठीक है ना विशालाक्ष्मी, चंदौली की बिटिया, नाम तो मैं भूल जाता हूं लेकिन स्थान मुझे याद रहता है। ये बात समझ में आ गई ना, सेक्शन 40 की मदद से हम लोग बात को समझ रहे हैं। उसमें अब पढ़ेंगे तो लाइन देखेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो आसान था, कहीं कोई कठिनाई नहीं। तो अब ये कहता है कि अब यहां तक तो बात थी कि धारा 11 ये बताता था, धारा 11 का सेकंड पैरा ये बताता था कि अगर कोई प्रॉपर्टी का एक हिस्सा ट्रांसफर किया गया है तो उस बचे हुए हिस्से के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ए ने तो बी पर लगा दिया, लेकिन बी पर न लगाया, बी सी को कर देता है ट्रांसफर, सी डी को कर देता है और डी ई को कर देता है। अब क्या ये प्रतिबंध जो ए ने बी पर लगाए थे वो प्रतिबंध ई पर भी लागू होंगे? कहता है हाँ हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि उसे इस बात की जानकारी थी अथवा नहीं, और उसने जो प्रॉपर्टी पाई थी वो फ्री की पाई थी या खरीदा था। तो अब ये है कि अगर नोटिस थी तो चाहे पैसे दे के खरीदा था चाहे उसे फ्री में मिल गई, हाँ उसके विरुद्ध ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो लागू किए जा सकते। लेकिन अगर सूचना नहीं थी, इस बात की नोटिस नहीं थी, तो अगर वो पैसे से लिया था तो ऐसी स्थिति में उस पर प्रतिबंध नहीं लगा है, लेकिन फ्री में लिया था तो मान्य होगा चाहे उसने सूचना थी अथवा नहीं। अब क्लियर हो गया रोहित? ठीक हुआ? फिर से मैं बता देता हूँ, टेंशन ना लीजिए। हम लोगों ने इसको ऐसे ही पढ़ा था कि सेक्शन 11 पैरा 2 कि ए बी को ट्रांसफर करता है और कहता है कि जो हिस्सा मैं तुमको ट्रांसफर कर रहा हूं उस इधर कोई दीवाल नहीं उठाओगे, दीवाल उठा दोगे तो हमको नुकसान होने लगेगा, यानी ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं और ये वैलिड। अब फिर उसके बाद अगर यहां तक तो वैलिड था ये तो सब जानते हैं, लेकिन अगर बी ने सी को कर दिया तो क्या ये प्रतिबंध सी पर भी लागू होंगे? सी ने डी को कर दिया, डी ने ई को, मतलब ये हम इसलिए चेन लंबा कर दिए हैं कि
और थोड़ा सा लगेगा कि नहीं उतना दूर थोड़ी ना लगे। तो अब ये ई को हुआ, अब ई पर ये प्रतिबंध लागू होगा कि नहीं, या फिर ई दीवाल उठा सकता है। तो उसमें दो चीजें थी, एक कि या दो बातें ध्यान रखना है, एक पैसा और दूसरी सूचना, है ना। हाँ, प्रतिफल और सूचना ध्यान में रखना। तो अगर उसने सूचना थी, पता था कि नहीं करना है, तो चाहे उसने पैसे से खरीदा चाहे बिना पैसे के, उसे गिफ्ट में मिल गया, फ्री का मिल गया, किसी भी दशा में वो रेस्ट्रिक्शन उस पर मान्य, क्योंकि वो खरीदते समय उस बात की नोटिस थी उसे। लेकिन अगर उसे इस बात की नोटिस नहीं थी, हाँ विदाउट नोटिस थी, लेकिन पैसे देके उसने लिया था, तो ऐसी दशा में उसे प्रिविलेज मिलेगी, उस पर प्रतिबंध मान्य नहीं होगा, क्योंकि सूचना नहीं थी, बेचारे ने पैसे खरीद के गुड़ खरीद लिया। लेकिन सूचना नहीं होने के बावजूद भी अगर माल फ्री में मिला है, दहेज वाला है, तब वो प्रतिबंध मान्य। ठीक है रोहित, ठीक ना, ठीक है, ठीक है। ये बात जो हम लोग अभी कह रहे थे, एक केस है जो पूछा भी जाता आप लोगों से, ये आपको किसी भी राइटर की बुक होगी, ये आपको किस मिली जाएगी, लीडिंग केस है, प्री में पूछी जाती है, और कहानी उसकी यही, आप पढ़ लीजिएगा उसको बुक से, उस कहानी को पढ़ लीजिएगा। तो है कहानी यही, लेकिन फिर भी पढ़ लिया करिए, किताब पढ़ा करिए, केवल बोर्ड पर लिखे नोट से काम नहीं चलेगा। यही है कहानी कि एक आदमी ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया और उससे शर्त के साथ बेचा कि इस पर कोई निर्माण नहीं करोगे। कई लोगों को ट्रांसफर हुआ, फिर उसके बाद जिसको किया गया उसने निर्माण कर दिया, प्रश्न ये था कि क्या उस पर रेस्ट्रिक्शन मान्य होगा कि नहीं होगा। यही तो कहानी है। तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई, इस बात को, यानी केस को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। केस बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्क वर्सेस मुक्सी। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में रहेगा तो एच ई लास्ट में हो जाएगा, एच साइलेंट है इसमें। इसमें एच साइलेंट हो जाता है जब हम हिंदी में पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक एग्जाम्पल और चीज देखी थी, वो तो कंडीशनल वाली तो बात दिक्कत नहीं है, जब उसे एक्युमुलेशन का डायरेक्शन दिया गया। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, और इसे भी समझना, इसमें भी बच्चे फेल होते हैं। हाँ तो उसमें तो है ही नहीं, वो तो दान वाला बता दिए थे कि उसने इसलिए ट्रांसफर किया था। अब ये भी थोड़ा सा, अब आप कहेंगे कि हर प्रोविजन को कह रहे हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, सबको नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ टीपीए चूंकि छोटा है ना, अब तो हम पहले ही ये बात बता दिए होंगे कि एक्सनेबल क्लेम सबसे कम इम्पोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर एक, वहां से बहुत प्रश्न नहीं आएंगे, खासतौर से मेंस में तो बहुत रेयर चांस है, क्योंकि अगर एक्सनेबल क्लेम परीक्षा में पूछना भी होता है तो सेक्शन 3 का एक्सनेबल क्लेम पूछ देता है, डेफिनेशन वाला है, तो एक्सनेबल क्लेम वहां से पूछेगा। वो 130 के बाद एक्सनेबल क्लेम के लिए बस यही है कि रिटर्न में होना चाहिए, 130 में जो बताया गया, बाकी और प्रोविजन प्री के लिए काटो प्रश्न और बाकी कुछ है। तो देखिए हमने 7 सेक्शन आपके 8 सेक्शन बचा दिए ना, लेकिन जहां पढ़ना है वहां पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए सेक्शन 17 क्या कहता है, एक बार बेयर प्रोविजन पढ़ा जाए फिर उसको समझेंगे।
अब आप देखिए समझते हैं उसको, ठीक। सेक्शन 17 इसका सीधे सीधे 11 के एक्सेप्शन है, ये समझ लीजिए कि जहां की संपत्ति के किसी अंतरण के निर्बंधन निर्दिष्ट करते हैं कि उस संपत्ति से उद्भूत आय। देखिए भाई हिंदी में मत पढ़ने की कोशिश करिए जाएगा अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले ही हिंदी में पढ़ें, क्योंकि हिंदी वालों को भी ये हिंदी इंग्लिश की तरह ही लगती है। लिखा है ना उसमें कि जहां की किसी संपत्ति के अंतरण से के निबंधन निर्दिष्ट करते हैं कि उस संपत्ति से उद्भूत आय, उसमें ए है अंतरक के जीवन से या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि से अधिक कालावधि तक पूर्णतः या भागतः संचित की जाए, वहां ए तस्मिन पश्चात या यथा उपबंधित के सिवाय ऐसा निदेश वहां तक शून्य होगा जहां तक कि वह कालावधि जिसके दौरान में वो संचय करना निर्दिष्ट है पूर्वोक्त कालावधियों में से दीर्घतर कालावधि से अधिक है, और ऐसी अंतिम वर्णित कालावधि का अंत होने पर वह संपत्ति और उसकी आय इस प्रकार बयानित की जाएगी मानो वह कालावधि जिसके दौरान संचय का निर्दिष्ट दिया गया था वो बीत गया। हमने बात कही थी अभी आप लोगों को सेक्शन 17 पर संचयन का निर्देश यानी डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन। सेक्शन 17 डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन, संचयन के लिए निर्देश। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए अगर एक प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर करता है, ए एक प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर करता है और ये कहता है कि इससे होने वाली जो इनकम होगी इनकम को इससे होने वाली इनकम को आपको एक विशेष पर्पज के लिए ही खर्च करना है, तो ये डायरेक्शन वैलिड होता है। ये तो हम बता ही चुके हैं, यही है ना कहता है। ये बात तो क्लियर है ना कि इसमें भी प्रॉब्लम है, नहीं ना, कि ये डायरेक्शन दे सकता है कि मैं तुमको संपत्ति दे तो रहा हूं लेकिन इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी इस इनकम का एक हिस्सा 10%, 20%, 50% आपको इस पर्पज के लिए, इस पर्पज में ये भी हो सकता है हमारे बाल बच्चों के लिए, ये हो सकता है गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, या कैंसर पीड़ित के लिए, अनाथ के लिए, कुछ भी पर्पज के लिए हमने एक तरीके से ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, तो ये इनकम का एक हिस्सा इस पर्पज के लिए खर्च किया जाए। तो ये डायरेक्शन जो है ना, ये जो डायरेक्शन दे रहा है, ये जो डायरेक्शन दे रहा है वो डायरेक्शन क्या होगा, वो वैलिड होगा। ये डायरेक्शन वैलिड, जबकि धारा 11 कहता था कि जब ट्रांसफर कर दोगे तो तुम कोई डायरेक्शन नहीं दे पाओगे, ये उसका एक्सेप्शन है इसलिए वैलिड होगा। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। अब सेक्शन 17 एक और बात कहता है, इसकी सीमा क्या होगा, माने उसका ड्यूरेशन क्या होगा, वो किस एक्सटेंड तक वो आपका डायरेक्शन पालन करने के लिए बाउंड। जिसको ट्रांसफर किया है, अब आप कहिए कि नहीं 7-8 पीढ़ी तक तुम्हारे ऐसे ही करते रहेंगे तो गलत लग रहा है ना, तो उसकी एक सीमा होगी ना कि नहीं कितने समय तक इनके आदेश वो पालन करने के लिए बाउंड। ये बेयर एक्ट में दिया हुआ है ना, कितने समय तक होगा ये प्रतिबंध, ट्रांसफरर के जीवन काल तक है।
ट्रांसफरर के जीवन काल तक, अंतरक के जीवन काल तक वो प्रतिबंध मान्य होगा। या दूसरी चीज, ट्रांसफर की डेट से, ट्रांसफर की डेट से 18 वर्ष तक, ट्रांसफर की डेट से 18 वर्ष तक ठीक। तो ये जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है उसकी हद क्या, जिस ट्रांसफरर यानी जो ट्रांसफर कर रहा है, जैसे ए के जब तक जीवन है अधिकतम कहां तक प्रतिबंध लगा सकते हैं, जब तक जीवन रहेगा तब तक के लिए वो प्रतिबंध लगा सकते, जब तक मैं जिंदा हूं बच्चा, खांसते हुए ऐसे ही ना आदमी करता है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इसको काली पहाड़ी के पीछे एक परिवार रहता है उसके भरण पोषण के लिए तुमको करना है। नहीं, मरते समय सब भेद बताते थे पुरानी फिल्मों में ना, कि बेटा वो जो दुश्मन है ना वही तुम्हारा भाई है जिससे तुम लड़ाई कर रहे हो, तो उसका भरण पोषण करना मेरे जीवन काल तक। दूसरा कहता है कि ट्रांसफर की डेट से 18 साल तक, जिस डेट को ट्रांसफर किया जा रहा है वहां से 18 साल तक ये प्रतिबंध मान रह सकता, उससे ज्यादा। ये दोनों बातें समझ में आ गई। इनमें से, यहां पे देखिए समझने की बात है, इनमें से जो भी पश्चात का हो, इस पर ध्यान देना है, इनमें से जो भी पश्चात का हो। अब मैं बताता हूं कि कैसे पश्चात का, मतलब भाई साहब ट्रांसफर किए और उन्होंने 18 साल वाला प्रतिबंध लगा दिया कि आज से 18 साल बाद तक तुम इस प्रॉपर्टी से जो आय होगी वो उसको इस पर्पज के लिए खर्च करोगे, इस मंदिर में दान करोगे, इस अनाथालय में दान करोगे। उसने कहा ठीक है, तब से ट्रांसफर की डेट से 2 साल बाद ही ट्रांसफरर की डेथ हो गई। अब बताइए प्रतिबंध 2 साल में खत्म हो गया या 18 साल तक वो प्रतिबंध चले। हाँ, वो तो बिना चश्मा के भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, 18 तक चले। हमने इसीलिए लिख दिया है ना, ये बहुत आसान हो गई बात। अब ये ना लिखे होते तब थोड़ा सा टेक्निकल होता, जब लिख ही दिया है तो काहे का टेक्निकल। हाँ, 2 ही साल में मर गए, लेकिन उन्होंने प्रतिबंध बाद का लगाया था, कोई बात नहीं, प्रतिबंध कंटिन्यू रहेगा भले ही मर जा रहा है, प्रतिबंध चलता रहेगा। अब एक स्थिति ये है कि बेटा करते रहो, 18 साल बीत गए, ये मरने का नाम नहीं ले रहे ट्रांसफर, अब क्या प्रतिबंध 18 साल के बाद हो चलता रहेगा। इसमें से जो भी पश्चात का जिंदा है ना, तो प्रतिबंध कंटिन्यू रहेगा। अगर वो 63 साल तक जिंदा रहा उसके बाद, तो प्रतिबंध लिखा है ना कि ट्रांसफरर के लाइफ टाइम या ट्रांसफर की डेट से 18 साल तक, इसमें से जो भी जब तक, हाँ मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है उस प्रतिबंध की, ऐसा नहीं कि कर दिए तो चलता ही रहेगा, ये मैक्सिमम लिमिट है। हाँ, कि अधिकतम आखिर क्या हो सकता है, तो अधिकतम हो सकता है कि ट्रांसफरर की डेट से और ट्रांसफरर की लाइफ टाइम तक, या ट्रांसफर की डेट से 18 साल तक, इसमें से जो भी ज्यादा हो।
लेकिन अगर मान लीजिए ट्रांसफरर है और उसने कहा कि नहीं 2 साल तक तुम ऐसा करते रहो, तो फिर जिंदा भी हैं तब भी, 18 साल है तब भी, वो तो 2 साल में प्रतिबंध खत्म हो जाएगा ना सर, समझ रहे हैं ना। वो तो तब है कि वो अधिकतम कितना कर सकता है, तो वो रोक लगा देता है कि भाई हमेशा के लिए नहीं कर सकते, या तो तुम अपने जीवन भर का ठेका ले सकते हो या फिर आज की तारीख से 18 साल तक का ठेका ले सकते हो, इससे ज्यादा का ठेका तुम नहीं ले सकते। सही है, ये बात सबको समझ में आ गई? दिव्या, जागृति, कोमल, संगीता, जेनी, सब क्लियर है? हाँ, अगर उसने कम ही किया है तो कम ही रहेगा, लेकिन वो तो हमने वो लिखा है ना कि आखिर वो चाहता है कि 200-400 साल चले, तो 200-400 साल नहीं चला सकता क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट उसकी यही है। अगर वो 400 साल चलाना चाहता है तो फिर उसे कछुआ का जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हें कछुआ 3000 साल तक रहता है ना, 300 साल। अच्छा हाँ, जीएस के एक्सपर्ट हैं आप लोग, बताते रहिए, जीएस के एक्सपर्ट लोग हैं। आज जीएस का टेस्ट होता है तो सन्नाटा क्लास में। अरे इतना कठिन नहीं है। हिंदी तो है ऐसे। और अगर इन्होंने इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया 40 साल का, है ना, लेकिन न तो 40 साल तक ये जिंदा रहे और 18 साल वाली बात तो इसे ही खत्म हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसके बाद ऐसे मान लिया जाएगा जैसे कोई प्रतिबंध था ही नहीं, ठीक है ना, तो वो प्रतिबंध मैक्सिमम इतने समय तक। आगे बढ़ जाते हैं, तो किन मामलों में अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की जा सकती? ये एक बात, मतलब कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें 18 साल और जीवन काल वाला प्रतिबंध मान्य ही नहीं। हाँ ज्योति, एक मिनट बताइए तो क्या प्रॉब्लम है सर, जब 18 इयर्स बता दी गई तो इसके पश्चात क्या मतलब समझे? इसका मतलब यह है कि अगर प्रतिबंध 18 साल तक का लगाया गया है तो 18 साल बीत जाएगा तो वो उस संपत्ति से जो होने वाली आय को एक विशेष पर्पज के लिए खर्च करने के लिए बाध्य था, अब वो बाध्य नहीं रहेगा, अब वो प्रतिबंध उस पर से हट गया, अब उसका मन करे तो दे, ना मन करे मत। अब एसके जैसी स्माइल है उसको स्माइल नहीं करते बेटा, स्माइल और हंसी दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, स्माइल करना मतलब कुछ आवाज ना निकले तो स्माइल है, जो आप तक पहुंचती है वो स्माइल नहीं है।
ठहाका है। तो अब ये देखते हैं कि कौन सा किस हद तक, ये प्रश्न समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। हमने कहा कि भाई वो प्रतिबंध होगा कि इससे ज्यादा के लिए प्रतिबंध नहीं तो आप नहीं कर सकते, लेकिन तो कुछ मामलों में प्रतिबंध नहीं लागू होगा। अब भगवान को दे रहे हैं हम मान लीजिए संपत्ति, अब रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, नहीं भगवान ऐसा श्राप देंगे कि फिर। अब जैसे देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें, अंतरक माने ट्रांसफरर के ऋण के भुगतान के लिए संचयन का निर्देश, ठीक क्या है ये एक्युमुलेशन फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफरर, एक्युमुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफरर। अंतरक के ऋण के भुगतान के लिए जब संचयन का दिया गया, जैसे ए ने बी को प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर की थी तो उन्होंने ये कहा था कि देखो भैया हमारे ऊपर बड़ा कर्जा है, तो इस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी ना वो धीरे 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 मेरा कर्जा खत्म कर देना। जैसे हमने कह दिया कि इस प्रॉपर्टी से होने वाली जो 20% इनकम है होगी, उस इनकम को तुम मेरे कर्ज को चुकाने में पूरा करो। आई भाई साहब इतना कर्जे ले चुके थे, तू बेचारा चुकाता रह गया, ये खत्म हो गया लेकिन कर्जा खत्म नहीं हुआ, 18 साल बीत गया लेकिन कर्जा खत्म नहीं हुआ, तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो कर्ज खत्म हो नहीं जाए, तब वहां समय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि अब तो हम वो मामले देख लिए कि संचयन का लिमिट क्या होगी, अब वो कह सकते हैं किन मामलों में लिमिट लागू नहीं। ऐसे मामलों में जब ट्रांसफरर ने अपने ऋण को भुगतान करने के लिए, ऋण को चुकाने के पर्पस से कोई एक्युमुलेशन का डायरेक्शन दिया, तो अब इसने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की और कहा इस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी इसका 20% बेटा मेरा कर्ज चुकाने में, मैंने लोन ले रखा है उसको चुकाने में करोगे, तो अब ये जब तक लोन चुक नहीं जाता तब तक ये कर्ज मतलब एक्युमुलेशन का जो डायरेक्शन दिया गया है वो चलता रहेगा, चाहे वो 18 साल 20 साल 40 साल में बीत जाएंगे तब तक वो चलता रहेगा जब तक कि उसका कर्ज नहीं उतर जाता। हाँ तो उसमें समय सीमा वाला नियम लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक फ्लैट ले रखा था, अब 50 लाख का फ्लैट लिया था, इस प्रॉपर्टी से जो आमदनी हो रही हो तो ज्यादा रही है लेकिन उसका 20% निकाल रहे हैं तो 20,000 रुपया निकल रहा, ठीक है, तो कह रहा है कि 20,000 रुपया भैया कम से कम देते रहिए उससे। अब बताइए 50 लाख का फ्लैट अगर आप लेते हैं और 20,000 महीना किस्त देते हैं उसकी, तो इंटरेस्ट ही खाली चुका पाएंगे, मूलधन तो बचा ही रहेगा, इसका मतलब खानदानी चलता रहेगा आपका कि आप उसको देते रहेंगे, ठीक ना। हाँ तो यहाँ पे निर्देश का नियम लागू नहीं होता, क्या ये बात भी क्लियर है ना बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बताएं तो। हाँ तो इसमें कोई छिपी बात नहीं है दिव्या, है ना भाई, वो बेचारा क्या है, वो तो जान के ही लिया था ना, उसने कहा था कि हमारे ऊपर इतना कर्जा है और उस कर्ज को भरने के लिए तुमको इस प्रॉपर्टी से जो आय होगी, उस प्रॉपर्टी से आय जो होगी उसका 20% तुमको लोन चुकाने में करना है। अब इनको तो पता है ना ये बात, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट ट्रांसफर करता है, रेस्टोरेंट में बड़ी कमाई होती है, इन्होंने भी कहा कोई बात नहीं 20% तो हम दे ही देंगे, पता चला कि भैया उस समय 20% तो अच्छी खासी आमदनी थी, वो दूसरे 4 साल में भर आ जाता, लेकिन रेस्टोरेंट चलने लगा कम, अब 1,000 20% 5,000 का फायदा और उसका 20% 1,000 1,000 रह जाकर किस्त दे रहे हैं, वो दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है।
तो ये हो गया। दूसरी चीज, दूसरा उसमें क्या कहता है, दूसरा कहता है ट्रांसफरर के बच्चों, ट्रांसफरर के बच्चों के भरण पोषण के लिए संचयन का निर्देश। ये तो बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। है ना? देखा ना, अंतरक के या अंतरण के अधीन कोई हित पाने वाले अन्य व्यक्ति के पुत्र पुत्रियों या दूरतर संतति के लिए भागों का उपबंध कर लीजिए। सेकंड वाला, क्लास नंबर टू का सेकंड प्रॉप। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे बाल बच्चे, बच्चों के भरण पोषण के लिए आप खर्च करना थोड़ा सा, ये भी चलता रहेगा जब तक बाल बच्चे सक्षम नहीं हो जाते। अब सक्षम होते ही नहीं क्योंकि लक्षण दिखाई दे रहा था उनको कि उनको कुछ करेंगे धरेंगे ये सब है नहीं, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि तुम पूरी जिंदगी देते रहोगे उनको जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते। नहीं, इसमें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति को अगर प्रॉफिट नहीं समझ में आएगा तो वो नहीं लेगा। आखिर उसने लिया है तो उसको जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं उसके अनुपात में उसे लाभ ज्यादा दिख रहा होगा तभी ना वो लेगा। तो प्रोविजन कोई बहुत सताने वाला नहीं है। हाँ, अब एक व्यक्ति को फायदा दिख रहा है तो लेगा, नहीं जबरदस्ती तो दिया नहीं जा रहा। हम लोग भावुक हो जाते हैं, आप लोग अच्छा हृदय वाले हैं ना, इसलिए आप लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब दूसरा, तीसरा क्या है उसमें, अंतरित संपत्ति के परिरक्षण और अनुरक्षण के, द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। प्रिजर्वेशन और समझ गए, मतलब उसी के संपत्ति के रख रखाव के लिए। मैं तुमको दे तो रहा हूं लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत प्रिय है तो इसको तुम बर्बाद नहीं करोगे। तुम क्या करोगे, इससे जो बेनिफिट होगा उस बेनिफिट से इसको तुम इसके मरम्मत के लिए, इसके रख रखाव, उसकी देखभाल के लिए करोगे। ठीक, नहीं दरवाजा उधर बजा ना तो मुझे लगा रवि सर आ गए क्या। हाँ, इसके बाद वाली क्लास रवि सर ही लेंगे, फिर उसके बाद टाट वाली में। फिर उसके बाद एक थो ले लीजिएगा, लोक लाभ के लिए, लोक लाभ के लिए शाश्वत अंतरण। लोक लाभ के लिए शाश्वत अंतरण, अभी शाश्वत अंतरण क्या है,
मतलब परपेचुअल ट्रांसफर फॉर पब्लिक बेनिफिट, परपेचुअल ट्रांसफर फॉर पब्लिक बेनिफिट, ये बात आपको सेक्शन 18 में मिलेगी। ये सारी चीजें आपको मिल रही थी सेक्शन 17 में। और ये जो मिलेगा आपको सेक्शन 18 में मिलेगी, ये परपेचुअल ट्रांसफर फॉर पब्लिक बेनिफिट। मतलब ये है कि कोई ऐसा ट्रांसफर किया गया है जिसमें जनता हितबद्ध है, तो वहां भी किया जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। हो गया आपका? अब देखिए 17 वाली बात भी क्लियर हो गई आपकी। डायरेक्शन के लिए एक्युमुलेशन दिया जा सकता है, वो हद क्या होगी, ट्रांसफर की डेट से 18 साल या ट्रांसफरर की डेथ, ट्रांसफरर की लाइफ टाइम, इसमें से जो भी अधिक होगा वहां तक रेस्ट्रिक्शन मान्य हो सकता है, उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता, ये रूल हो गया। लेकिन कहता है कि कुछ मामलों में रेस्ट्रिक्शन की जो सीमा है वो लागू नहीं होगी। कौन से मामलों में? जब ट्रांसफरर के डेट को चुकाने के लिए ही एक्युमुलेशन का डायरेक्शन दिया गया हो, तो जब तक डेट चुक नहीं जाता तब तक कुछ चलेगा। दूसरा कहता है उसके बाल बच्चों या बाल बच्चों के बाल बच्चों या बाल बच्चों के बाल बच्चों, दूरतर संतति उसमें लिखा है ना, हाँ लिखा है, तो मतलब उसके जो पीढ़ियां हैं जो बाल बच्चे हैं उनके मेंटेनेंस के लिए अगर किया गया है तो, और तीसरा है जहां उसी संपत्ति के रखरखाव के लिए वो जरूरी है तो वो किया जा सकता है। सेक्शन 18 कहता है जहां जनता के फायदे के लिए कोई चीज की जा रही है तो वो कंटिन्यू चलेगी, उस पर भी कोई सीमा लागू नहीं। हाँ मैं देख रहा हूँ आप, चलिए कुछ दिनों में सेट हो जाएगी चीज, तो फिर अभी आप परेशान हैं, परेशान तो नहीं व्यस्त कर सकते हैं उसको। तो ये बात हो गई ना, धारा 11 हम लोगों ने शुरू किया था, जैसे लग रहा है 17 पढ़े। अरे इतना कैलकुलेशन है इसमें कि एक धारा खत्म हो रही है तो आदमी जो तो पहली बार पढ़ रहा है बच्चा, बाकी जो लोग बच्चे पढ़ चुके हैं जैसे जेनी ओनी हैं तो पढ़ चुके हैं तो उनको तो सब कंठस्थ है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए तो ठीक है, अब मजा आता है। अब वो हमको भी ठीक नहीं लगता, जैसे टाट में कल नहीं लिख रहा था कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, एक पेज लिखना पड़ा हमें, ना घटिया लगता है ना हमको, लेकिन क्या करें, नहीं लिखने पर अगर ऑनलाइन में बंदूक बच्चों के हाथ में होती तो कैमरा में से गोली मार देती, लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है तो मिलते हैं फिर। हाँ बता देते हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चों को कि अभी जो है वो 9 बजे से जीएस की क्लास चलेगी, 9 बजे से पहले भी हो सकता है शुरू हो जाए, तो जीएस की क्लास होगी, फिर उसके बाद फिर मैं टाट वाली क्लास लूंगा 10:30 बजे। ठीक चलिए, सबको थैंक यू।